गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विजेंद्र चौहान फ्रॉम श्री नारायण विद्यालय कन्हान, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यू चैप्टर, ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट टेक अ लुक ऑन पेज नंबर 3. Topic is adaptation in plants of forest regions. आप सबको पता है forest क्या होता है. Forest means जंगल. आप सभी ने जंगल देखा है. आपको पता है कि जंगल में variety of plants होते हैं. Plants means हम plants कहने से क्या समझेंगे, वहां trees हो सकता है, shrubs हो सकता है, herbs हो सकते हैं. ये सब जो है फॉरेस्ट में मिलते हैं. ये सभी जो प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं केवल एक चीज से, वो है सनलाइट. यस ऑब्वियसली, हेंस ट्रीज ग्रोज टॉल इन टू गेट सनलाइट. कोई भी ट्रीज अपनी हाइट बढ़ाते क्यों है, अडेप्टेशंस के लिए. अडेप्टेशंस मीन्स जितना वो पेड़ ऊंचा जाएगा उतनी उसको सनलाइट मिलती रहेगी. आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में कुछ छोटे हर्ब्स होते हैं वो बड़े नहीं हो पाते हैं. क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं उन बड़े पेड़ की वजह से उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो अपना लाइफ साइकिल उसी तरह से कंप्लीट करते हैं. सो अब हम बात करते हैं क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इन प्लांट्स की. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए. सो यहां यह है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजंस. तो फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट करते हैं. इसके बाद आता है अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स. ग्रासलैंड कहते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, ग्रास. यस मींस डाइवर्स टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड. फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन स्टूडेंट्स, लुक हियर. This is soil and these are grass. ये grass means घास. क्या करती है, इस मिट्टी को पकड़ के रखती है इस तरह से. अगर मान लो ये grass यहां पर ना हो और बारिश का पानी आए या कोई भी पानी, तो वो बहकर चली जाएगी, वो मिट्टी बहकर चली जाएगी. पर यदि वो ग्रास यहां पर रहेगी तो इसके जो रूट्स है उस मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे, कहीं भी उसे जाने नहीं देंगे. अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे पोटैटो है, पोटैटो में दिस इज अ प्लांट ऑफ पोटैटो. यहां देखो ये क्या है, ये पोटैटो. ये भी कहां होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं. सॉइल के अंदर होने की वजह से वो भी सॉइल को ऐसे पकड़ कर रखते हैं. तो पोटैटो, ग्राउंडनट, वाटर हाइसिंथ, एलो, एकेशिया, कैरोट, अनियन, बीट, बिटर गोट, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो सराउंडिंग में ग्रासलैंड्स के एग्जांपल्स में पाए जाते हैं. तो आज के लिए हम यही रुकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स एंड अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर 8007686908. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.